हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं दोहना रेलवे स्टेशन की तरफ। ये रहा दोहना, आगे वहीं हम लोग निकल रहे हैं सुबह सुबह वॉक पर। आगे से रास्ता है, आज हम आपको दिखाते हैं दोहना रेलवे स्टेशन। ट्रेन पे लोग चढ़ने से ज़्यादा यहाँ पे क्या करने आते हैं, वॉक करने ही आते हैं ज़्यादातर लोग। को गुड्स इंजन है ये WDG4 डीजल से चलता है, ब्रॉड गेज का इंजन है। और ये एक मालगाड़ी को खींचते हुए लेकर आ रहा है, और ये सिंगल कैब में ही होता है केवल ये वाला इंजन। ये पीछे की तरफ इसकी कैब लगी है, और ये आगे इधर कैब में ही है इधर। और जो पैसेंजर के लिए चलता है वो डुअल कैब में चलता है। तो गाइस, अभी हमारी मालगाड़ी आकर के यहाँ पे रुक चुकी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पे एक सामने से दूसरी ट्रेन आएगी, और उस ट्रेन को ये यहाँ पे ये क्रॉसिंग करवाने के लिए रुकी हुई है। तो हम लोग वेट करते हैं दूसरी ट्रेन का आने का। ये यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे थ्री लाइन का स्टेशन है। यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म है, और बीच में एक मेन लाइन है जिसके ऊपर ये मालगाड़ी आके खड़ी है। दो लाइन तो यहाँ पे पहले से ही ऑक्यूपाइड है, तो तीसरी लाइन पे एक पैसेंजर आएगी ट्रेन अभी सामने से। अभी उसी पैसेंजर के लिए ट्रेन रुकी हुई है, जब वो पैसेंजर आ जाएगी तब ये ट्रेन क्रॉस होएगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन है, आगे डबलिंग हुई नहीं है अभी। हम आपको टूर देते हैं पूरे स्टेशन का। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, यहाँ पर सामने वाला प्लेटफॉर्म जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। ये इधर साइड को जो रूट जाता है वो जाता है काठगोदाम, भोजीपुरा से आगे रूट जाएगा, काठगोदाम की तरफ जाएगा, और उधर की काशीपुर की तरफ इधर से ही रूट जाता है ये वाला। और इधर चले जाएगा रूट डायरेक्ट बरेली के लिए, बरेली जंक्शन, और पहले बरेली सिटी, इज्जत नगर के आगे बरेली सिटी। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स यहाँ से जाती हैं तो बरेली सिटी पे रुक जाती हैं, पर जो पैसेंजर नहीं होती हैं वो आगे भी बढ़ती हैं। तो हम आपको स्टेशन का टूर देते हैं। ये एक हॉल्ट है, स्टेशन भी नहीं है, हॉल्ट है, एक दोहना हॉल्ट है। अब धीरे धीरे ये बड़ा होता जा रहा है, पहले एक ही प्लेटफॉर्म था, अब दो दो कर दिए हैं। जैसा कि हमने कहा था गाइज, सामने से ट्रेन आ गई है, डेमो है ये, काशीपुर जाती है, काशीपुर से बरेली सिटी वाली डेमो है ये, बरेली सिटी टू काशीपुर। और इसके अंदर ICF कोचेस लगे हैं इस डेमो को, डेमो को ICF कोचेस ने बनाया है जो कि इंडियन है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है काशी, और बरेली सिटी टू काशीपुर वाली डेमो, काशीपुर टनकपुर वाली। यहाँ पे ये जा चुकी है हमारी प्यारी वंडरफुल डेमो। यहाँ पे इसका हॉल्ट भी है, तो यहाँ पे ये रुकेगी भी। ये रुकेगी गाइस थोड़ा आगे, देखिए ब्रेक लगा लिए हैं। तो अभी ये वाली, ये जो पैसे, ये आकर जो एक गुड्स ट्रेन खड़ी थी, ये भी आगे बढ़ जाएगी। अब इसी को भी सिग्नल मिलेगा। ये वाली रही हमारी गुड्स ट्रेन, ये वाली रही हमारी दूसरी वाली गुड्स ट्रेन,
और ये जा रहा है फोटो खिंचवाने गुड्स ट्रेन पे। अभी ये वाली को सिग्नल मिल जाएगा, ये जो खड़ी है बगल में। तो गाइस मैंने कहा था ना, देखिए अब इसका ग्रीन सिग्नल हो गया है, अब ये ट्रेन यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। अब आप इसका सिनेमैटिक एंजॉय करिए। संख्या 1030 20 प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है गाइस, जो कि डायरेक्ट यहाँ से जाती नहीं है, वो रूट ही नहीं है इसका, ये वाला। दूर दूर तक स्टेशन खाली पड़ा है क्योंकि ये हॉल्ट है एक। हम आपको ये पूरा स्टेशन का टूर देते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। हमेशा क्रॉसिंग देखकर करनी चाहिए, कहीं बीच में कोई ट्रेन ना आ रही हो। पहले हम लोग क्रॉसिंग कर लेते हैं, उसके बाद से व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अभी गाइस हम लोग वहाँ उस सामने वाली सीट पे बैठ के व्लॉगिंग कर रही थी। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए हैं। अब आप बस इंजॉय करिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 को। सीट्स कैसी लगा रखी हैं इन लोगों ने, जो यहाँ बैठेगा वो ट्रेन कहाँ देखेगा। हाँ नीचे ये देखेगा, कूड़ा कबाड़ा, जंगल झाड़, खाई खाई, नाला है इधर गाइस, सूख गया है, वो देखने के लिए क्या उल्टा बैठेगा क्या। इससे अच्छा यहाँ पे ये खाली जगह थी, यहाँ डाल देते एक सीट, आगे डाल देते, नल से आगे डाल देते। आगे स्टेशन पे तो जगह भी नहीं है कहीं पर वो बैठने की, वहाँ डाल देते। ये खाली पड़ी है ऐसी। धीरे धीरे ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। ये जो गुड्स ट्रेन है कई कई दिनों से यहाँ पे ही खड़ी है इसी तरीके से। ये दोना स्टेशन सामने से ऐसा दिखता है गाइस, ये है दोना और आगे है टोल प्लाजा। इसके आगे ये दोना का टिकट काउंटर है। ये दोना पूरा स्टेशन हमारा हॉल्ट है छोटा सा। यहाँ पे आके पहले ही अपनी सीट पे विराजमान है। चलो यू हैव टू कंटिन्यू द व्लॉग। इधर जो शेड है ना, बड़ी शेड है, इस वजह से यहाँ पे लगा रखा है। नहीं हो रहा, ये छोटा सा हॉल्ट है, यहाँ पे कुछ है भी नहीं है, कैंटीन तक तो है नहीं। मतलब स्टेशन से बाहर एक छोटी सी दुकान है,
पर बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। शौचालय हम आपको इस स्टेशन का दिखाते हैं, बड़ी बुरी स्थिति के अंदर खड़ा है बेचारा मूत्रालय शौचालय। इसमें तो कोई भूत भी ना जाए। नहीं भूत का ही तो नहीं हो। Let me check guys। नहीं यार कंडीशन तो ठीक है परंतु इसमें टॉयलेट ही नहीं है, हम टॉयलेट जाएंगे कैसे? शौचालय तो बंद कर रखा है गाइस। मूत्रालय चालू है, शौचालय बंद है। अगर कोई गर्मी बारिश के बीच में चला गया तब वो तो सीधा नीचे गिरेगा, मेरा अभी भी पैर फिसल रहा था। हाँ खाई के अंदर गिरेगा ये गाइस। ये वाली गुड्स ट्रेन पता नहीं इतने दिन से हमारे दोना में क्यों खड़ी है। ऐसे खड़ा रहने दो, मेरे को जाने दो। आज के ब्लॉग का एक और नया टॉपिक मिल गया, हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर होता क्या है। ये मालगाड़ी का पीछे वाला डिब्बा है। पहली बात हम सेफ्टी से चढ़े हैं क्योंकि आगे भी इंजन नहीं था, पीछे भी इंजन नहीं था और दोनों तरफ रेड ब्रेकर लगे हुए थे ताकि ये ट्रेन आगे ना बढ़ पाए। तो हम आपको अंदर ले चल के एक बार दिखाते हैं। यहाँ पे हम घुसे अंदर, बहुत ज़्यादा बेकार होता है ये तो सबको मालूम है क्योंकि यहाँ पे सोने के लिए पता है क्या दिया जाता है? ये इस पे सोना होता है, इसके ऊपर ये लोहे का होता है। गर्मियों में तो इतना ज़्यादा जलता है कि कुछ कहो मत। और सीट आप देख सकते हैं कितनी गंदी कबाड़ा जैसी। बेचारे के लिए एक टॉयलेट तक नहीं बना होता है, वो तो आजकल के शायद नए वाले में आ रहा है। और देखिए गाइस ये है गार्ड का ब्रेक, यहीं से गार्ड ब्रेकिंग करता है इमरजेंसी सिचुएशन में। और ये है गार्ड का टॉयलेट, आप देख लीजिए कैसा टॉयलेट है बेचारे के लिए। इंडियन गार्ड की नौकरी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है क्योंकि ऐसे ही जैसे यहाँ पे आके खाई हो के दो एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ रोड बह रही है, कहीं पे भी आके मालगाड़ी रुक जाती है। उसके बाद से अब गार्ड के ऊपर होता है कि वो कैसे बचे यहाँ पे। ये मालगाड़ी यहाँ पे कई दिन से खड़ी है, करीबन 6 दिन हो गए ऐसे यहाँ पे खड़े हुए दोना होल्ट पर। अब हम लोग यहाँ से उतरते हैं, चलिए तब तक ले आगे का ब्लॉग देखते रहिए। गाइस मैंने आप लोगों को दिखा दिया, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि गार्ड का डिब्बा कैसा होता है, बड़े भयानक सा होता है, ना साफ़ सफाई ना कोई आराम ना कुछ। सीट भी लोहे की, उस पर तो जो बैठ जाए इतनी सीधी सीट है, बैक रेस्ट भी नहीं है उसके ऊपर, एक तो सीधी है थोड़ी सी टेढ़ी होती जैसे ये है थोड़ी टेढ़ी है, तो बैक को आराम भी मिलता पर ऐसी सीट देते हैं लोग। और ना टॉयलेट, टॉयलेट देखा आप लोगों ने, लोहे का एक गड्ढा बना रखा था, ऐसी सीट मिलती है। सो गाइज आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इनफ फॉर यू टू वॉच दिस व्लॉग। ये व्लॉग बहुत मस्त था, हमने आपको बहुत कुछ दिखाया, हमने दिखाया मालगाड़ी में कैसा व्यू होता है, आपको यहाँ के रूट के बारे में बता दिया, दोहना हॉल्ट के बारे में इतनी सारी जानकारी दे दी, और क्या चाहिए आपको एक व्लॉग के अंदर। सिंगल व्लॉग में हमने आपको मालगाड़ी का वो भी दिखाया, गार्ड कैबिन वाइट वाला जो आप लोग देखते हो पीछे से, बस सुनने में आसान होता है, बहुत मुश्किल है उसके अंदर बैठना। और ब्रेकिंग सिस्टम मैंने दिखाया, वो ब्रेकिंग सिस्टम था वहाँ से, वो जो बड़ा सा हैंडल लगा था। तो अब हम लोग घर के लिए बढ़ते हैं आगे। आज के व्लॉग में बस इतना ही, तब तक ले टाटा बाय बाय सी यू।